మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతులు చేస్తున్న పోరాటం ఇవాల్టితో ముగియనుంది. ఢిల్లీ సరిహద్దులైన సింఘు, టిక్రి, ఘజీపూర్ ప్రాంతాల నుంచి రైతులు ఖాళీ చేసి వెళ్తున్నారు. గూడారాలు, టెంట్లను తొలగించిన రైతులు కాసేపట్లో భారీ విజయోత్సవ ర్యాలీ చేపట్టనున్నారు. ఉద్యమంలో మృతి చెందిన 700 మంది రైతులకు తొలుత నివాళులర్పించనున్నారు. ట్రాక్టర్లపై ఇంటికి చేరుకునే రైతులకు స్వాగతం పలికేందుకు హైవేల వెంబడి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ధర్నా స్థలాన్ని ఖాళీ చేసేందుకు 2-3 రోజుల సమయం పడుతుందని రైతు సంఘం నేత రాకేష్ టికాయత్ తెలిపారు. తాను ఈ నెల 15న ధర్నా స్థలాన్ని ఖాళీ చేస్తానని టికాయత్ చెప్పారు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వివాదాస్పద 3 వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని గత సంవత్సరం నవంబర్ 26 నుంచి రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. సంవత్సర కాలంగా జరిపిన నిరసనలకు కేంద్రం దిగొచ్చింది. 3 వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేసింది. మిగతా 6 డిమాండ్లను కూడా పరిష్కరించాలని రైతు సంఘాలు పట్టుబట్టాయి. దీనిపై కేంద్రం, రైతుల మధ్య పలు దఫాలుగా సంప్రదింపులు జరిగాయి. కేంద్రం ముసాయిదాపై చర్చించిన రైతు నేతలు ఆందోళన విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నిరసనల వల్ల ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలకు ఎస్కేఎం క్షమాపణ చెప్పింది. తమ ఆందోళన విజయవంతం కావడంతో స్వీట్లు పంచుకుంటూ పాటలు పాడారు. ये हमने बता दिया कि क्योंकि हम 3 दिन अब बाहर के प्रोग्राम है वे करेंगे और जब तक वो बहुत मोर्चों से लोग जा चुके होंगे. हमारा यही कि लोग मोर्चों से अपने घर तक पहुंच जाएं. नहीं है लोग आज बहुत बड़ी संख्या में सिंघू, टिगरी, ढाशा, साजापुर जाने शुरू हो गए आज से. लोग आज से बहुत टोलू से लोगों को घर वापसी भेज रहे. मुझे पता था सहारनपुर से जो टोल है मुरादाबाद उनसे सबको कर रहे कि आप समापन उनका करो. तो सब जगह समापन होगा तो 4-5 दिन इस चीज में लगेंगे. याद है जिस जमीन पर लोग रहते हैं तो उस जमीन से लगाव हो जाता है. तो जब किसी का घर उजड़ता है तो उसको बड़ा वो होता है कि मेरा परिवार बिछड़ रहा है, उजड़ रहा है. तो ये सारी चीजें याद उसमें रहेगी हमेशा. ये पुल, ये लोग, ये प्रेस के लोग जो हर रोज का हमारा हमें बहुत खुशी है. कानून वहां से आया ने खुशी यही खुशी मना रहे हैं. अभी किसान आंदोलन जीत गया. आज तानाशाही सरकार ने घुटने टेक दिया हमारी. आज दिवाली बनेगी, आखिरी दिन है हमारा, खूब जश्न होगा. हमारी जीत हुई है. आज हमने कर दिखाया कि तानाशाही सरकार के भी घुटने टिकवाए जा सकते हैं. किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद. आज के दिन 1 साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद किसान अपने घर जा रहे हैं. जो लोग विश्व में कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु है तो किसानों ने दोबारा से भारत का विश्व गुरु बना दिया. पूरे संसार के अंदर आज इस किसान आंदोलन की चर्चा है. और जो अन्य देश जिनके ऊपर ये कानून लागू होने थे वो आज भारत के किसानों का धन्यवाद कर रहे हैं. उनका दुख है, मगर जब भी कोई क्रांति आती है, जब भी कोई जंग जीती जाती है उसमें शहीदों कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. हमें कुर्बानियों का अफसोस भी है, फिर कहीं ना कहीं हमें जीत का भी खुशी जश्न थोड़ा बहुत चाहिए. हम हमारे किसान भाइयों के साथ हैं, पूरी संवेदना उनके परिवारों के साथ थी, है और रहेंगी. सबसे पहले हम परिवारों को मिलेंगे. जो 1 साल हो गया, वकबा हो गया बच्चों से, उनसे साथ खुशी सांझी करेंगे. जो लोग हमारा साथ देते रहे उनके साथ भी खुशी सांझी करेंगे. ये सबसे सबको खुशी है पंजाब में. देखो जब कोई भी संघर्ष चलता है उसमें कोई नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है. जब फायदा लेना है तो नुकसान तो होगा ही. इसलिए हमको जो आर्थिक नुकसान है वो तो गया भूल, क्योंकि हम जहाँ जीत कर चले हैं. लेकिन फिर भी जो शहीद हो गए जहाँ 750 किसान, वो हमको सदा याद रहेंगे. जब भी आंदोलन की याद आएगी उनको याद किया जाएगा. सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है जी. गुरु पातशाह ने सारे पंजाब नू खुशी है जी. इस चीज़ की हरियाणे नू खुशी है, यूपी नू खुशी है, सारा इंडिया ही खुश है जी. अब 1 साल हो गया जी इस चीज़ नू डीकदे सीगे भी यह पल आऊगा, वो अज आ गया जी. तो असं खुश हाँ जी. सानू उन्होंने पूरी आश्वासन है जी. उन्होंने सानू यकीन है जी उन्होंने, वो जो करेंगे पंजाब के सारे इंडिया के भले वास्ते. गवर्नमेंट ने जब इतना कर दिया तो सबसे पहले अपने परिवार को मिलेंगे जी, ते अपने यारा दोस्तों मिला के खुशी साथ.